हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेली के स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे द्वारकेश शुगर की। लेकिन द्वारकेश शुगर के टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि परसों मार्केट में जो फॉल आया था उसके बाद क्या हुआ, और जो कल मैंने स्टॉक एनालिसिस करी थी सांगवी मूवर्स की, आज उसने कैसा इम्पैक्ट किया है, और उससे पहले जो मैंने आपको एनालिसिस बताई गेल की कि गेल ने कैसे मूवमेंट करी है। तो आज सबसे पहले हम गेल की बात स्टार्ट करते हैं गाइस। गेल के हम चार्ट पे आते हैं और देखिए गाइस, एज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो परसों फॉल आया गाइस, लेकिन देखिए मार्केट देखिए कैसे फॉल लिया, ठीक है, और मार्केट ने ठीक इसी ब्लू कर पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने, आप सोचिए 144 का मैंने आपको बाय करवाया था, ठीक है, मार्केट ने कैसे आज मूवमेंट दिया है और वो 150 पे अभी ट्रेड हो रहा है करंटली, और इसका नियरली फर्स्ट टारगेट जो मैंने आपको बताया था 152 के अराउंड गाइस, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे सांगवी मूवर्स की, अब हम सांगवी मूवर्स पे चलते हैं गाइस। देखिए गाइस, ये सांगवी मूवर्स चार्ट है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कल इसका प्राइस था कितना, 194 पे क्लोजिंग थी। आज इसका प्राइस सेम उसी जो यस्टरडे की क्लोजिंग वहीं से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आता है, लेकिन यहीं पे करंट आपको देखिए इसी पे सपोर्ट लेके अगेन वो रिबाउंड, और आने वाले दिनों में सांगवी मूवर्स में आप एक बहुत अच्छा प्राइस का जंप देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। और जो परसों मार्केट फॉल हुआ था गाइस, आप क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा ब्लू कर्व है जो सपोर्ट की तरह, बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक उसी पॉइंट पे गाइस हमारी RSI भी ओवरसोल्ड जोन में आई और हमारे पास एक बहुत अच्छा हैमर देखने को हमें मिला, ठीक है, बहुत अच्छा आपका रिवर्सल पैटर्न की तरह आप बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिला था, ठीक है गाइस। अब आज के टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास है द्वारकेश शुगर। हम द्वारकेश शुगर को थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखिए गाइस, द्वारकेश शुगर भी कुछ उसी पैटर्न पे है, ठीक है, मार्केट में फॉल आया तो नियर वहीं पे ही गाइस, वहीं पे सपोर्ट, और जब इस सपोर्ट के पास आता है तो आपकी RSI भी ओवरसोल्ड जोन में आती है, और जब मैंने आपको बताया था गाइस, जब ये फर्स्ट सपोर्ट ब्लैक कर्व इज लाइक अ फर्स्ट सपोर्ट और जो आपका ब्लू कर्व होता है सेकंड सपोर्ट, लेकिन जब फर्स्ट सपोर्ट पे आया तब भी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में गई थी और मार्केट ने एक थोड़ा सा रिबाउंड किया, लेकिन उसके बाद जो फॉल आया है वो सेकंड सपोर्ट पे, ये बहुत अच्छा रिवर्सल होता है। अब द्वारकेश शुगर में देखिए गाइस हो क्या रहा है, पहले जब रिबाउंड हुआ तो मार्केट वहाँ से फॉल हुआ, लेकिन गाइस यहाँ पे फॉल नहीं है, ये कंसोलिडेशन है उस लेवल पे, और आने वाले टाइम में द्वारकेश शुगर में एक आपको अच्छा प्राइस जंप देखने को मिलेगा। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 69 है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है 79 रुपीज़ का गाइस, सेकेंड टारगेट हम इसके वीक को मानेंगे 83 रुपीज़ का। तो अब इसके 4 आर के चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा ट्रेंड लाइन से समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए गाइस, मैं आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, ये यहाँ से प्रीवियसली भी हुआ क्या है, जब मार्केट ने पंप लिया है अगेन मार्केट में फॉल आया और एक अच्छा विक बनाया है, ठीक है, और यहीं से मार्केट ने रिबाउंड किया है, सेम उसी लेवल पे मार्केट रिबाउंड कर रही है। ये गाइस ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट है, मैंने मेरे लर्निंग वीडियोस में आप जाके ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न आप पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। एक तो कन्विक्शन हमारे इस ट्रेंड लाइन ने दिया, दूसरा RSI ने ओवरसोल्ड जोन में, और एक हमारा सपोर्ट, ये जो ब्लू लाइन का सपोर्ट है गाइस, ठीक है, और आप 4 आर में एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन इस जोन में मिल रहा है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है द्वारकेश शुगर में गाइस, आप द्वारकेश शुगर को बाय करें, डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट होगा गाइस। और द्वारकेश शुगर के साथ और भी एनालिसिस है स्टॉक की, मैं वो आपको बता दूं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला गाइस। ये देखिए गाइस, ये कल के एनालिसिस के है, पहला स्टॉक आपका होने वाला है फिलाटेक्स, जिसका करंट मार्केट प्राइस अभी 101 के अराउंड चल रहा है, इसमें ये आपके टारगेट्स और ये SL आपको मेंशन है गाइस, ये आप नोट कर सकते हैं जो वीडियो में आपके साथ चल रहा है, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टॉक है ला उपला PL करके, ठीक है, इसका CMP इतना है, टारगेट हमारा इतना होगा और SL इतना होगा,
और थर्ड है हमारा टाइम टेक्नो, ठीक है गाइस, और फोर्थ है GIC हाउसिंग, और फिफ्थ है हमारा गाइस जेन टेक, ठीक है। मैंने इसमें आपको करंट मार्केट प्राइस क्या है, टारगेट क्या रखने हैं हमें, और हमें इसमें SL क्या होना चाहिए। गाइस हमेशा ध्यान रखें, आपका SL बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है गाइस, क्योंकि SL आपको एक बड़े लॉसेस से बचाता है हमेशा, और हमेशा SL पे ज़्यादा फोकस किया करें, ठीक है। और जब भी ट्रेडिंग करें तो बार बार आप लाइक मनी के टर्म्स में मत देखें कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, अपने प्रोसेस पे फोकस रहें। अगर आपका प्रोसेस और लर्निंग बहुत अच्छी है ना गाइस, डेफिनेटली मार्केट में आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस पसंद आती है गाइस, तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन गाइस ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन और भी लाइक बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो भी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ गाइस, ठीक है। कौन से स्टॉक में क्या हो रहा है, निफ्टी में बेसिकली क्या हो रहा है, ऑप्शंस में क्या हो रहा है, तो गाइस टेलीग्राम चैनल के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है। अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेरी हो तो हमेशा आप फ्री हैं कॉल करने को या मैसेज करने को, डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। अगर आपको किसी कुछ भी लाइक लर्निंग फेज में कोई दिक्कत आ रही है, या आप कोई कंसेप्ट सीखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे पिंग करें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पीयर टू पीयर लर्निंग कम्युनिटी सेटअप कर रहे हैं, जिसमें मैं भी आपसे थोड़ा बहुत सीख सकूँ, और मैं आपको जो मेरे को आता है वो मैं आपको बता सकूँ। आई होप गाइस